गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अभी आज राजस्थान हाई कोर्ट में जो 196 प्लस वाले कैंडिडेट थे उनकी हेयरिंग के लिए आज एप्लीकेशन लगाई थी और कुछ पिटिशंस जो पेंडिंग थी उनकी भी आज की डेट थी। तो उसमें आज क्या हुआ वो इस वीडियो में जानेंगे पूरा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल को बाद में अनसब्सक्राइब करने वाले तो आप सब्सक्राइब मत करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के अपडेट में बता दूँ, आज कोर्ट में हेयरिंग हुई थी और उसका मैं ज़्यादा ब्रीफली आपको उसको मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, पर मैं आपको एक इसका सीधा सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बता देता हूँ कि इसमें आज ये हुआ है कि राजस्थान हाईकोर्ट का जो एक रुख था वो पता चल गया है क्लियर कट कि हमें राजस्थान हाईकोर्ट से जस्टिस नहीं मिलने वाला है, हमें सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना ही होगा। पर बस दिक्कत इतनी सी है कि इन्होंने हमें यहाँ से अभी तक रिलीज़ नहीं करा है, क्योंकि ना कोई ऑर्डर दे रहे हैं, ना कोई ऐसा इंटरिम रिलीफ दे रहे हैं, ना इंटरिम कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं जिसके बिहाफ पे या जिसको अप्रूव जिसके ऊपर बेस अपन जो है सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकें। तो इस वजह से जो है मैं कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है अब क्योंकि मैं यही बता रहा हूँ कि इसमें अगर अपन शोभित सर और आर्यन माथुर सर को ही अप्रोच करेंगे और वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब सब कैंडिडेट्स को देखो यूनाइट रहना है इसमें, और सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट रखना है कि हमें सिर्फ आर्यन माथुर सर को ही अप्रोच करना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख रखें इस केस में, क्योंकि उन्हें ही इस केस की पूरी हिस्ट्री पता है और वही इसमें अपन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पर, ठीक है गाइस। तो फिलहाल के लिए बस यही है कि आज जो है उन्होंने सारी जितनी भी पिटीशन थी उसको टैग कर रखा है फर्स्ट वाली पर, और फर्स्ट वाली की जो हियरिंग है वो इन्होंने 3 जुलाई कर रखी है, तो वो थर्ड वीक ऑफ जुलाई कर रखी है। तो अभी जो है बस यही है कि जब फर्स्ट पिटीशन जो थी उस पर हियरिंग होगी और उसी पे पता चल पाएगा। बाकी ये है कि आपके पास ऑलरेडी आपके जो भी आप जिस ग्रुप में ऐड हो आपको पता चल ही गया होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहा था, आज क्या हियरिंग में हुआ है। मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा वीडियो में, बस ये पता चल गया है कि और कि कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करने वाला है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने वाला है। तो बस ये है कि अपने पास अब लास्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना है, यूनाइट रह के करना है। एक ही मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आर्यन माथुर सर को ही अप्रोच कर लेंगे और वही सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख देंगे, तो वही है, सबको यूनाइट रहना है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, आने वाली अपडेट मैं आपको बताता रहूँगा, तो प्लीज़ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे।